क्या कोरोना की एक और लहर देश में दस्तक देने वाली है? क्या कोरोना एक बार फिर से डराने वाला है? आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 3,824 नए मामले सामने आए हैं, यह पिछले 6 महीने में सबसे अधिक है। खास बात तो यह है कि डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 2.87% हो गई है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 2.24% हो गई है। पिछले 4 दिनों में यह तीसरी बार है जब एक दिन में 3,000 से ज्यादा केस आए हैं। शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 2,994 नए केस आए हैं। इस हिसाब से एक दिन में केसों की संख्या में 28% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने पिछले सप्ताह 18,450 से अधिक नए मामले दर्ज किए, जो पिछले 7 दिनों के 8,781 की तुलना में 2.1 गुना अधिक है। यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि मामलों के दुगने होने का समय घटकर 7 दिन से भी कम हो गया है। पिछले 7 दिनों में मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि मौत के मामले 29 से बढ़कर सीधे 36 हो गए हैं। पिछले 7 दिनों में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में नए कोरोना वायरस के मामलों की संख्या दुगनी से भी अधिक हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।